नमस्कार दोस्त, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी साइबर सिक्योरिटी सीरीज में। एक बार मेरे साथ फिर हर्षवर्धन जी साथ में हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आजकल मतलब साइबर क्रिमिनल्स हर समय कुछ नई चीज़ लेके आते हैं। आजकल एक बहुत कॉमन चीज़ हो रही है कि मैसेज आएगा, उस डीपी में किसी अधिकारी की फ़ोटो लगी होगी और उससे मैसेज आएंगे। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि फ़ोन भी आता है कि मैं फलां जगह से बोल रहा हूँ, इस पुलिस से बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। ये क्या होता है सर, किस तरह के इससे फ्रॉड हो रहे हैं और इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? ये व्हाट्सएप डीपी रिलेटेड फ्रॉड्स एक मेजर एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इसमें कुछ भी बैरियर नहीं है वो काम करने में। इट इज़ वेरी सिंपल टू डू। आप कोई भी एक पब्लिक पर्सनैलिटी का फोटोग्राफ नेट से ढूंढ सकते हैं, वो चाहे कोई लॉ इन्फोर्समेंट पुलिस ऑफिसर्स हों, क्योंकि पुलिस ऑफिसर्स के पब्लिक में बहुत सारे फ़ोटो होते हैं, कोई सिविल अथॉरिटीज़ हों, बाकी कोई सिविल सर्वेंट्स हों, किसी के भी आप फोटोग्राफ्स आप नेट पे ढूंढ सकते हैं और उसको व्हाट्सएप का डीपी लगा सकते हैं। अगर सामने वाला ये बिलीव करने लगे कि क्योंकि वो डीपी लगा हुआ है इसीलिए ये उस पर्टिकुलर व्यक्ति का है, व्हाट्सएप नंबर है, तो उसको बेवकूफ़ बनाकर उससे कुछ भी काम कराया जा सकता है, उसको डराया जा सकता है, उसको कोई फेवर्स मांगा जा सकता है। सो दिस बिकम्स वेरी रिस्की व्हेन पीपल गेट फूल्ड बाय दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और ये कंप्लेंट्स काफ़ी हमारे पास आते हैं। पर जब इस मेथड को आप इन कंजंक्शन विद अदर साइबर क्राइम देखते हैं, जो हमारे सीरीज में पहले भी डिस्कस हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप वीडियो कॉल से जो एक्सट्रॉशन होता है, मान लीजिए कोई उसका शिकार बन जाए और उसके बाद उसको कोई व्हाट्सएप नंबर से मैसेज आए कि हम फलाने फलाने क्राइम ब्रांच से बोल रहे हैं और आपका ये वीडियो आया है, तो इट बिकम्स इवन मोर डेंजरस, क्योंकि वो आदमी ऑलरेडी एक क्राइम का विक्टिम है और उसको अब उसको यूज़ करके एक्सट्रॉशन किया जा रहा है और उसको लग रहा है कि ये कोई पुलिस पर्सन है या कोई और पब्लिक पर्सन, मतलब इंपॉर्टेंट पर्सन है जो उसको इसके लिए टारगेट कर रहा है, जबकि वैसा कुछ है नहीं। दैट इज़ बीइंग डन बाय फ्रॉडस्टर्स। तो व्हाट्सएप डीपी पे जाकर कभी भी विश्वास ना करें कि ये कोई आदमी का फ़ोन नंबर है, स्पेशली इफ़ इट इज़ रिलेटिंग टू लॉ एनफोर्समेंट और रिलेटिंग टू एनी काइंड ऑफ पब्लिक पर्सनैलिटी, बिकॉज उनके फोटोग्राफ्स तो नेट पे अवेलेबल हैं और कोई भी उस फोटोग्राफ लगा सकता है उसमें। कोई इसको वेरीफाई करें, अगर कोई भी पब्लिक पर्सनैलिटी है तो उसको वेरीफाई करने के तरीके होंगे। अगर पुलिस पर्सन के फोटो यूज होते हैं तो कंसर्न पुलिस के नंबर्स होंगे, पुलिस स्टेशन के नंबर्स हैं, स्टेट के पुलिस हेडक्वार्टर से कंट्रोल रूम्स के नंबर्स हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो फ़ोन नंबर है, क्या ये आपका ऑफिशियल इस पर्सन को अलॉटेड फ़ोन नंबर है कि नहीं है। घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर उस तरह का मैसेज आते हैं किसी से, तो विदाउट पैनिकिंग आप पहले वो चीज़ों को वेरीफाई कर लें और उसके बाद उस पर अप्रोप्रिएट एक्शन लें। इसमें व्हाट्सएप डीपी, फेक डीपी तो एक है ही, बट इसी के सिमिलर तरीके हैं कि किसी को फ़ोन करके इम्पर्सनेट करना कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ। इसमें ट्रू कॉलर जैसे ऐप्स का लोग सहयोग लेते हैं। अगर ट्रू कॉलर में मान लीजिए किसी ने अपना नाम सेव कर लिया, सो एंड सो क्राइम ब्रांच, तो जब वो किसी कॉल करेगा या ट्रू कॉलर में अगर उसने ये मैनेज कर लिया कि नेम इज रिफ्लेक्टेड लाइक दैट, देन दैट पर्सन विल थिंक कि अच्छा इसका तो नाम ऐसे सेव कर रखा है या ऐसा आ रहा है ट्रू कॉलर में, तो सही में ये होगा, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। सो इसीलिए इसको भी बाय यूजिंग वेरियस सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स पीपल डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो इसका भी ध्यान रखना है कि व्हाट इज़ अपेरेंट मे नॉट बी ट्रू, उसको भी प्रॉपरली वेरीफाई करना है। स्पेशली अगर आपको कोई किसी चीज़ को लेकर धमकाने की कोशिश कर रहा है, किसी चीज़ को लेकर प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है, तो आप इसको ज़रूर एक बार चेक करें कि क्या जो कह रहा है इज ही दैट पर्सन दैट इज़ क्लेमिंग टू। थैंक यू सर, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, आपने सुना, अगर कभी भी आपको इस तरह से कोई धमका रहा है, कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, तो हमेशा सावधान रहें और आप पुलिस से संपर्क करें। चाहे आपने नेट के थ्रू नंबर ढूंढने की कोशिश करें या नज़दीकी पुलिस स्टेशन से जाकर इस बात के लिए मदद लें, और सावधान रहें हमेशा, क्योंकि इस तरह के बहकावे में ना आएँ, उससे बचें। अब आपसे विदा लेते हैं, इस सीरीज़ में बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।